हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है कि जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैं अपने ब्लॉग पे डाल चुकी हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जॉब एनालिसिस के ऊपर जो है मेरा फुल फ्लेज लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने जॉब स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल के अंदर जो है वहाँ पे कवर किया है। और यहाँ पे मैं जॉब स्पेसिफिकेशन वर्सेस जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है ब्रीफली बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे, और जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस का अर्थ क्या होता है। देखो, जॉब एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उससे देखा जाता है कि उस जो स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हैं, उस जॉब के कंपोनेंट्स क्या हैं, और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो है किस तरह की जो है क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और देखो, जो जॉब एनालिसिस है उसके जो इमीडिएट प्रोडक्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिससे हमें जॉब के एलिमेंट्स पता चलते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर हमें क्वालिफिकेशंस के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं तो उसका जो उसके अंदर हम जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है हमें बताता है, जॉब के बारे में बताता है कि जॉब के अंदर हमने करना क्या है और किस तरह से हमने इस जॉब को परफॉर्म करना है। और देखो, यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द जॉब कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। देखो, यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ द जॉब है। एलिमेंट्स ऑफ द जॉब का अर्थ होता है कि जॉब के अंदर हमने करना क्या है, जॉब के अंदर जो है एक्टिविटीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखो, टर्म जो है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द जॉब्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, और एक स्पेसिफिक जॉब की ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन के देखो, जॉब टाइटल कहाँ पे है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, ब्रीफली इसके अंदर ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह का मशीन टूल्स मटेरियल चाहिए, और दूसरी जॉब के साथ इसकी एसोसिएशन क्या है, किस तरह की सुपरविजन चाहिए, किस तरह का वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है पर्टिकुलरली जॉब को डिफ़ाइन करती है, जॉब के एलिमेंट को डिफ़ाइन करती है, जॉब के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिफ़ाइन करती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जॉब कंटेंट के बारे में, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसी तरह जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, देखो ये भी जॉब एनालिसिस का ही प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जॉब को डिस्क्राइब करती है, जॉब के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करती है, जॉब के अंदर हमने क्या वी आर सपोज टू डू। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली हमें जॉब को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर ह्यूमन बींग्स, और उस पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है क्या मिनिमम क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो हमें जॉब स्पेसिफिकेशन से पता चलता है। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, डैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। देखो, जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर व्यक्ति के फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, तो यहाँ पे देखो जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर साइकोलॉजी एंड सोशल करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कई जॉब्स के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, मेमरी जजमेंट, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस क्या है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये करेक्टरिस्टिक्स जो है जॉब के साथ रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर जॉब के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो जॉब को परफॉर्म करने के लिए कि जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसके अंदर क्वालिटी चाहिए, ताकि वो जॉब को सही ढंग से परफॉर्म कर सके। अब हम देखो डिफरेंस देखते हैं। देखो, सिमिलैरिटी यही है कि जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है दोनों ही क्या है, उसके इमीडिएट प्रोडक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखो, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, तो वहाँ पे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो डिफाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन, डिफाइन द जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर आपके पास टाइम है तो जॉब एनालिसिस को भी 1-2 लाइनों के अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बाद आप इसका डिफरेंस दे सकते हो। और अगर ये 2 मार्क्स का है तो जनरली यही आपने जो मैं अभी आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ, तो यही आपने एलैबोरेट कर देना है।
देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये जॉब के बारे में, जॉब के अंदर जो होता है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, जॉब के कंपोनेंट क्या हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है हमें समरी ऑफ द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब के फीचर्स बताती है। और देखो जो जॉब स्पेसिफिकेशन है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें किस तरह की क्वालिटी, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। देखो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जॉब के कंपोनेंट को मेयर करती है, और नेचुरली यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है, कंडीशन जो है, जिस व्यक्ति ने उस जॉब को हैंडल करना है उसको मेयर करती है। और यहाँ पे देखो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके बेसिस पे कैंडिडेट जो है जॉब की रिक्वायरमेंट को स्टडी कर सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जॉब स्पेसिफिकेशन जो है हम जॉब के साथ उसको मैच करते हैं कि ये क्वालिफिकेशन इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए और इस क्वालिटी का बंदा हमारे पास अवेलेबल है। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसको हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे हम कैंडिडेट के असेसमेंट करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कि यह व्यक्ति फिट है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन।